अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज रमज़ान स्पेशल में हम बनाएंगे चिकन लीग पफ पेस्ट्री। तो इसके लिए शिया जो हमें चाहिए वह चिकन 1 किलो बोनलेस, लीग 500 ग्राम, पफ पेस्ट्री रेडी रोल किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाती है इजीली। आप ब्लैक भी ले सकते हैं। और डबल क्रीम चाहिए हमें 500 ml, और नमक 1 टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून एंड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम चिकन के छोटे पीस कर लेंगे। अब हम काट लेंगे लीग को, ऊपर वाला छिलका इसका उतार लेंगे, काफी मिट्टी होती है। इसको छोटे छोटे पीसों में काटेंगे। अगर थोड़े से मोटे भी हो तो कोई बात नहीं, इजीली गल जाती है। तो अब हम पफ पेस्ट्री की फिलिंग तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को अच्छी तरह धो लिया इसमें। चिकन को 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। बहुत ही आसानी से फिलिंग तैयार होती है। रेसिपी के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम फिलिंग तैयार कर लेंगे और दूसरे में पफ पेस्ट्री असेंबल करेंगे। चिकन को 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे लीग। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच तेज़ ही रखनी है क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ता है और लीग भी, उसको अच्छी तरह कुक करना है तेज़ आंच पे। ये 5 मिनट तक कुक हो गया है, पानी भी खुश्क हो गया है इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से मसाले ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं और रेड पेपर्स भी डाल सकते हैं ज़्यादा। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको कुक होने में। ये ठीक हो गई है जितनी हमें चाहिए थी। अब हम इसे उतार लेंगे चूल्हे से और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम पफ पेस्ट्री को तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लोर सरफेस पे डालेंगे यहाँ कि पफ पेस्ट्री स्टिक ना हो। तो पफ पेस्ट्री एक शीट की हम 2 पेस्ट्रियाँ बनाएंगे। तो मिडल से काटेंगे हम। इसको हम थोड़ा सा रोल कर लेंगे। अब हम फिलिंग डाल लेंगे पेस्ट्री में। पानी के साथ इसको डाल लेंगे। जिस साइड से सील किया है वो साइड नीचे करके हम इसको ट्रे में रखेंगे। इसमें हम अंडा लगा लेंगे, इससे इसका कलर अच्छा आएगा देखने के बाद, शाइनी हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस पर डालेंगे सेसमी सीड्स डेकोरेशन के लिए। अब हम पफ पेस्ट्री को ओवन में कुक कर लेंगे 150 डिग्री पर 35 टू 45 मिनट तक। पफ पेस्ट्री हमारी रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। I hope you liked our video. Don't forget to subscribe.